घरों में आग लगने के सिर्फ दो ही कारण हैं, और कोई आज तक कोई कारण ऐसा पाया नहीं गया कि जो घरों में आग लगे। जैसे दीपावली पे भी दो चार कॉल जो आती है वो आती है कि आपने दिया बत्ती जला दी, पूजा करी, आप बाहर पटाखे चले गए, चूहा आया, वो उसने खाने के चक्कर में दिए में तेल होता, आग लग गई। तो आपने फ्लेम को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना त्योहारों में। हम जब त्योहारों में लड़ियाँ लगाते हैं, जाल क्या कहते हैं उसको, जो लाइटिंग लगाते हैं उसमें क्या होता है, प्लग नहीं लगाते, एक मल्टी प्लग बहुत आम बात है। हम क्या करते हैं, एक ही प्लग में जैसे देखिए मेरे यहाँ लगा हुआ है, ये गलत है। हम मैं इसको हमेशा ऑफ रखता हूँ, जब मैं आता हूँ उतनी देर यूज़ करके चला जाता हूँ। क्यों? ये अगर आप इसमें चार प्लग और लगा देंगे, ये स्विच आया हुआ, ये कभी भी स्पार्क होगा, हिला, क्योंकि आप एक प्लग पर लोड बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होगा, स्पार्क होगा, आग लग जाएगी। ये घरों में जो छोटी छोटी चीज़ें, अभी द्वारका में एक फायर हुई थी, मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगा। उस लेडी ने क्या किया, जो हीटर होता है कपड़ा गीला तो हीटर के ऊपर रख दिया कि सूख जाएगा, और वो भूल गई, बिकॉज इट वॉज क्लोज प्रोस्पेक्टिव ऑफ हीटर, उससे आग पकड़ ली, उसमें पूरा घर उसका जल गया और लेडी की भी डेथ हो गई। तो जो घर में जो आग लग रही है वो सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से लग रही है आपकी, आपको क्योंकि ज्ञान नहीं है आग इसलिए लग रही है, और कोई रीज़न नहीं है आग लगने का। तो ये, और घर में आग लगना एक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और गैस, दो ही रीज़न है। अगर ये आप छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई है, तो 99% चांस है कि आपके घर में आग लगेगी नहीं। और अगर आग लग जाती है, सबसे पहले आपको घर से, फिर मैं ये कहूँगा बार बार ये बात को कहूँगा, आप बाहर निकलें, अपने परिजनों को ले जाएं, फायर ब्रिगेड को तुरंत इन्फॉर्म कर दें, और उसके बाद आप आग बुझाना जानते हैं, आपके पास इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर बॉल है, तो आप उसको यूज़ करें, नहीं तो फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाएं, तो सो दैट फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे और आपको बुझा लें।